नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। बैतूल में ताप्ती तट से शिवधाम सालबर्डी के लिए रवाना हुई सरमंगल कावड़ यात्रा। पवित्र नगरी मुल्ताई में सरमंगल कावड़ यात्रा समिति के तत्वाधान में शुक्रवार को हर हर महादेव के उद्घोष के साथ ताप्ती सरोवर के तट से शिवधाम सालबर्डी के लिए कावड़ यात्रा रवाना हुई। ताप्ती सरोवर में पूजा अर्चना कर पावन जल कावड़ में समाहित किया गया। इसके उपरांत परिक्रमा मार्ग पर श्री राम मंदिर में विधायक चंद्रशेखर देशमुख, नगर पालिका अध्यक्ष वर्मा गड़ेकर सहित अन्य श्रद्धालुओं ने कावड़ का पूजन कर यात्रा का शुभारंभ किया। ताप्ती सरोवर की परिक्रमा करते हुए कावड़ यात्रा अगले पड़ाव की ओर रवाना हुई। यात्रा के नगर भ्रमण के दौरान जगह जगह नागरिकों ने यात्रा का स्वागत किया। शुक्रवार को यात्रा ग्राम ताईखेड़ा राय आमला होती हुई ग्राम आष्टा पहुंची। ग्राम आष्टा में के भवानी मंदिर में रात्रि विश्राम के बाद शनिवार को ग्राम मसोद इटावर सहित अन्य ग्रामों से होती हुए ग्राम बेहू बासरा पहुंचेगी, जहां रात्रि विश्राम के बाद रविवार 4 अगस्त को ग्राम 4 सी बोरपेंड होते हुए शिवधाम सालबर्डी पहुंचेगी। सालबर्डी में मारुति बाबा आश्रम में रात्रि विश्राम होगा। 5 अगस्त को सुबह 10 बजे मारुति बाबा आश्रम से यात्रा प्रारंभ कर शिव भक्तों द्वारा ऊंची पहाड़ी पर स्थित गुफा नुमा शिवालय में विराजमान भगवान शिव का मां ताप्ती जल से जलाभिषेक कर यात्रा का समापन किया जाएगा। कावड़ यात्रा के नगर भ्रमण के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार, आदित्य बबला शुक्ला, गगन साहू, उत्तम गायकवाड़, सुधाकर पवार, मनीष माथनकर, राजेश पाठक, गणेश साहू, परसराम खाकरे, विजय घुड़की, कंचन कसलेकर, महेंद्र कासलेकर, महेंद्र जैन, संजय सोनी, जगदीश दवंडे, कंचन पठाड़े, शिल्पा शर्मा, सुधा परमार, उत्तम बोरखे, माधुरी सावले, अजय यादव सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। सिटी रिपोर्टर अविनाश तायवाड़ी की रिपोर्ट।